गांधीनगरना घच और अंडरपास में पानी भराया। अंडरपास में पानी भराता वाहन चालकों ने हालाकी पड़ी रही है। एक सप्ताह सुधी अंडरपास रिपेर न थता पानी भरायेला छे। खाड़ा में वाहनों पड़ता नंबर प्लेट तूटवानी घटनाओ पण बनी छे। 12-13 नंबर प्लेट तूटीने रोड पर देखाई हती। गांधीनगर घ4 अंडरपास में वाहन चालकोनी कफोड़ी स्थिति। एक अठवाडिया सुधी अंडरपास रिपेर कर्या बाद पण पानी भरायेला छे ने खाड़ा पण पड़ेला छे। खाड़ा में वाहनों पड़ता वाहनों की नंबर प्लेट पण तूटी गई रही छे। एना परथी ख्याल आवी रह्यो छे कि आखरे केटला खाड़ा अत्यारे वाहन चालकोने मुश्किली वेठवी रहा है, कारण के नंबर प्लेट पण तूटी रही है। एक के बे नहीं 12-13 जेटली नंबर प्लेट तूटेली रोड पर देखाई थी। हिरण अमारी साथे जोड़ाई गया है। हिरण, गांधीनगर की आवी स्थिति है, एटला बधा खाड़ा है, अंडरपास में पानी भरायेला है, केटली तकलीफ पड़ी रही है लोगों ने। गांधीनगर नो हार्द समूह ग रोड है। ग रोड पर घ4 अंडरपास बनाव्यो है। परम दिवसे ज एक अठवाडियु सुधी रिपेरिंग काम पूर्ण कर्या बाद चालू करवामां आव्यो छे, परंतु मात्र एक दिवसना वरसादमां ज घ4 अंडरपासमां पाणी भराया छे। पाणी भराया बाद त्यां खाडो पड़वाना कारणे वाहन चालकोना जे वाहनो छे ए त्यां पछड़ाय छे, અને એના કારણે નંબર પ્લેટ તૂટવાની ઘટનાઓ છે તે ત્યાં સામે આવી છે। એક બે નહીં પરંતુ 10-15 જેટલી નંબર પ્લેટો ત્યાં જ ખાડાની બહાર પડી હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે। લોકો ત્યાંથી નંબર પ્લેટો પણ પોતાની વાહન ચાલકો છોડી અને ચાલ્યા ગયા છે। ઘ4 અંડરપાસ સિવાય વાવોલ અંડરપાસમાં પણ આ પ્રકારે પાણી ભરાયા છે। એક અઠવાડિયા સુધી પાણી ન ભરાય એના માટે પ્રિમોન્સૂન કામગીરી કરી અને જાળીઓ બદલવાની કામ અને ખાડો ઊંડો કરવાની કામગીરી કરવામાં આવી હતી, પરંતુ માત્ર એક જ વરસાદમાં એ એક અઠવાડિયાની કામગીરીની પુલ અહીંયા કોર્પોરેશનની ખુલી છે। ગાંધીનગરની આ સ્થિતિ છે, તો રાજ્યની અન્ય સ્થિતિ સમજી શકાય। બિલકુલ હિરેણ, આપ અમારી સાથે જોડાયેલા જ રહેશો।